थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टू सीआरडी एंड आज हम लोग सीखेंगे लॉगिन पेज बनाने के लिए अपने इसी फ्लास्क वेब डेवलपमेंट से सीखने की सीरीज में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना लॉगिन पेज बनाने के लिए। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए जिस तरह से हमने इसके पहले वाले वीडियो में register.html बनाया था टेम्पलेट, उसी तरह से हमें फिर से आना है टेम्पलेट में। और टेम्पलेट में आने के बाद हमें जस्ट एक बनाना है html फाइल, और html का फाइल का नाम हम लोग रख देते हैं लॉगिन, login.html। और यहाँ से हमें करना है कि सारा कुछ कर देना है डिलीट, और register.html में जो भी चीज़ें हमारे पास थी हमें सारी कुछ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें बस करना है इसे कॉपी और लॉगिन में कर देना है इसे पेस्ट। अब यहाँ से देखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम यूज़र नेम या ईमेल आईडी से खोलें, तो सबसे अच्छा ये होता है कि हम लोग ईमेल आईडी से एक्सेस करवाएं, क्योंकि ईमेल आईडी कोई अपना नहीं भूलता, यूज़र नेम हो सकता है कि भूल जाता है। तो हमें काम करना है कि हमें यूज़र नेम को हटा देना है। आप चाहें तो आप यूज़र नेम को भी रख सकते हो और ईमेल आईडी को हटा सकते हो। जिससे आपको लॉगिन करवाना है उसे यहाँ रखना है, और जिससे नहीं करवाना उसे हटा देना है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम को यहाँ से हम लोग हटा दे रहे हैं, यहाँ से यूज़र नेम हो गया डिलीट, और यहाँ पे ईमेल आईडी आ गया। ईमेल आईडी के बाद हमें पासवर्ड की ज़रूरत है, तो पासवर्ड रखेंगे। और यहाँ पे एक और फॉर्म ग्रुप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का है, तो हमें कंफर्म पासवर्ड को कर देना है डिलीट। और बाकी सब हमारा सेम होगा, हमारा सबमिट बटन होगा। हम लोग को यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है इसे हमें नहीं रखना है, तो हमें ऑलरेडी हैव एन अकाउंट को भी हमें कर देना है डिलीट। हमें यहाँ पे एक रिमेम्बर पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सबमिट करने से पहले रिमेम्बर पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम लोग रिमेम्बर अगर करवाना चाहें, अगर पासवर्ड को फिर से बार बार एक्सेस करने के लिए बिना टाइप किए हुए, तो उसके लिए रिमेम्बर भी कब बनेगा यहाँ पे एक फॉर्म ग्रुप। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पासवर्ड के जस्ट नीचे, पासवर्ड के जस्ट नीचे हमें आ जाना है, और यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। हमारा फील्ड सेट जहाँ पे बंद होता है, यहाँ पे नहीं, हमारा फील्ड सेट जब बंद हो जाता है उसके बाद हमें आना है यहाँ पे। और इसके नीचे आने के बाद हमें बनाना है बस एक डिव, और डिव का हमें दे देना है क्लास। तो क्लास हम लोग हमेशा से दे देंगे जो हमेशा देते आए हैं, डिव क्लास हमारा पहले से ही बना हुआ था। फॉर्म ग्रुप हम उसी ग्रुप में रखेंगे, फॉर्म ग्रुप, और कर देना है इसे बंद। और डिव क्लास फॉर्म ग्रुप के आने के बाद हमें करना है एक फॉर्म डॉट रिमेम्बर को कॉल। इसमें हमें करना है डब्ली क्रिस करली ब्रेस को ऑन, और इसमें हमें लिखना है फॉर्म डॉट रिमेम्बर, ताकि ये रिमेम्बर करे। फॉर्म डॉट रिमेम्बर, आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर्म डॉट रिमेम्बर। और इसका दे देना है हमें क्लास, क्लास इज इक्वल टू हम लोग दे देंगे फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म डॉट रिमेम्बर हो गया, क्लास इज इक्वल टू ये हो गया। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नीचे, और इसका हम लोग इसी का लेबल भी बना देंगे, तो सेम रहेगा फॉर्म डॉट रिमेम्बर डॉट लेबल। और इसका भी क्लास जो होगा वो कुछ सेम ही रहेगा, क्लास इज इक्वल टू होगा फॉर्म टेक लेबल, फॉर्म इक्वल टू नहीं, फॉर्म चेक लेबल, फॉर्म चेक लेबल, ये होगा इसका क्लास। कर देना है बंद। और इसके बाद हमें कर्ली ब्रेस जो खोले हैं उसे कर देते हैं बंद, और यहाँ पे हमारा ये रिमेम्बर मी का बन जाता है, रिमेम्बर का लेबल। और उसके बाद हमें सबमिट यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद हमें बनाना है एक फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन, फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन बनाएंगे, ताकि अगर वो पासवर्ड को भूल जाता है तो एक्सेस करे। तो हम लोग यहाँ पे एक और बनाएंगे डिव पासवर्ड के जस्ट नीचे, और यहाँ पे हम लोग जो बनाने वाले हैं वो होगा एक स्मॉल, इसके अंदर बना देने हैं हमें एक स्मॉल, और इस स्मॉल का हम लोग दे देते हैं क्लास। क्लास यहाँ पे हमारे है एक होगा टेक्स्ट म्यूटेड, ये क्लास पहले से बना हुआ है, ये भी बूटस्ट्रैप
और इसमें दे देंगे मार्जिंग लेफ्ट, ये होगा टू। और इस स्मॉल के अंदर हमें एक एचरेप लेना है तो ए ले लेंगे, और इसका एचरेप हमें अभी कुछ नहीं रखना है हम लोग को, तो इसमें रख देते हैं हज सिर्फ। और इसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट होगा इसके अंदर होगा वो होगा फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड का उसके पास मैसेज होगा, और यहाँ पे हमारा हो जाता है फॉर्म बंद। और फॉर्म बंद होने के बाद हमारा डिव भी बंद है यहाँ पे। ये हमें डिव लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, हमें यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्मॉल से भी काम कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं, और इसके बाद हमें बनाना है क्या, क्रिएट अकाउंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है, जैसे अगर लॉगिन कर रहा है अगर अकाउंट नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे पासवर्ड के लिए रजिस्टर पेज पर इसे वापस ले जाना है। क्रिएट एन अकाउंट करके यहाँ पे एक क्लास बनेगा और वहाँ पे यूज करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग का काम है कि इसके नीचे आ जाते हैं, और फॉर्म के नीचे आके हम लोग यहाँ पे एक और डिव बना देते हैं, और डिव का इस बार जो क्लास ले रहे हैं उसका क्लास का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बॉर्डर टॉप, और पीटी दे देते हैं यहाँ पे 3। और इसी के अंदर हम लोग को बना देना है एक स्मॉल, और स्मॉल का क्लास हम लोग इस बार देंगे टेक्स्ट म्यूटेड। इसके बाद हमारे पास एक मैसेज होना चाहिए, वो होगा क्रिएट अकाउंट का। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का एक मैसेज होगा उसके पास, और इसके बाद इसमें एंकर टैग लगा देंगे हम लोग। तो इसका क्लास दे देते हैं, एक क्लास इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास ML2 का। और इसका एचरेप हम लोग दे देंगे रजिस्टर के लिए, जो रजिस्टर के लिए हम लोग बनाए हुए हैं पेज उसको दे देंगे। तो इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग का काम है कि हम लोग यूज करते हैं इसमें URL 4 का, जो हम लोग URL 4 का यूज करते आ रहे हैं जिंजा की तरफ से, तो URL 4 का यूज कर देंगे हम लोग। और URL 4 में हम लोग को डाल देना है जस्ट उस क्लास का नाम। तो यहाँ पे उस जो डिफिनीशन हमने बनाया था DEF रजिस्टर के लिए उसे हमें कर देना है पास यहाँ पे URL 4 रजिस्टर। और इसके बाद इस पर जो मैसेज होगा हमारे पास यहाँ पे, जो मैसेज इसको दिखेगा वो क्या होगा, तो हम लोग लिख देते हैं साइन अप। यहाँ पे मैसेज होगा क्रिएट एन अकाउंट के लिए, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के लिए, यहाँ पे ये भी चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं नॉट हैव एन अकाउंट, नॉट हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं साइन अप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर क्रिएट अकाउंट यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद स्मॉल बंद और हमारा ब्लॉक बंद हो जाता है। चलिए तो अब हमारा काम बचा है यहाँ पे अपने flask app.py में लॉगिन फॉर्म को पहले करेंगे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट, जिस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इंपोर्ट किया। यहाँ पे हमारा काम है कि एक रूट बनाए हम लोग अब लॉगिन के लिए, जिस तरह से हमने बनाया है रजिस्टर के लिए। तो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इतना, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और यहाँ पे हम लोग जो बनाएंगे वो होगा लॉगिन, तो हमें इसे चेंज करके कर देना है लॉगिन। और मेथड गेट पोस्ट इसके अंदर भी होगा, यहाँ पे जो डिफिनीशन बनने वाला है मेथड वो उसका नाम भी होगा लॉगिन। और यहाँ पे फॉर्म जो हम लोग बनाने वाले हैं वो होगा लॉगिन।
तो लॉगिन फॉर्म चलिए हम लोग बना लेते हैं, जहाँ पे हमने फॉर्म्स डॉट पी वाई में हमने बनाया था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसी तरह से हमें जस्ट बनाना है लॉगिन फॉर्म। तो हमें कर देना है यहाँ से कॉपी, जो हमें पासवर्ड तक की ज़रूरत है ये हमारा सेम होगा, तो इसके नीचे आ जाते हैं और करते हैं पेस्ट। और यहाँ से हमें यूज़र नेम को कर देना है डिलीट, क्योंकि हम लोग यूज़र नेम को यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, तो यूज़र नेम को हमें कर देना है डिलीट और पासवर्ड को रखना है। और इसके साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग जिस तरह से सबमिट बटन बनाएंगे, तो सबमिट बटन यहाँ पे भी होगा, तो सबमिट बटन को भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। और इसका नाम जो रखेंगे वो होगा लॉगिन, इसका नाम होगा लॉगिन। लेकिन लॉगिन से पहले हम लोग चाहते हैं कि एक और बना दें, एक और बटन हम लोग बना दें जिसका नाम होगा रिमेम्बर, इसका नाम हम लोग रख देते हैं रिमेम्बर। तो ये क्या करेगा, पासवर्ड को रिमेम्बर करेगा। तो रिमेम्बर के लिए हम लोग एक बुलियन फील्ड बना देते हैं, रिमेम्बर इज इक्वल टू हम लोग एक ले रहे हैं बुलियन फील्ड। तो बुलियन फील्ड लेने के लिए जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग फील्ड, पासवर्ड फील्ड और सबमिट फील्ड को इम्पोर्ट किया था, उसी तरह से हमें करना है बुलियन फील्ड को इम्पोर्ट। तो बुलियन फील्ड को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इम्पोर्ट और उसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यूज कर रहे हैं हम लोग बुलियन फील्ड, बुलियन फील्ड, और बुलियन फील्ड जो बनेगा इस पर एक टेक्स्ट होगा, जिसका टेक्स्ट का नाम होगा रिमेम्बर मी, रिमेम्बर मी, यहाँ पे एक टेक्स्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा बन जाता है लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमें चेंज करके कर देना है लॉगिन फॉर्म। अब इसी का हम लोग यहाँ पे एक्सेस करवा रहे हैं लॉगिन फॉर्म को, फॉर्म इज इक्वल टू लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे हमारा सेम यहाँ पे प्रोसेस होगा, इसी तरह से इफ़ फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट फ्लैश करेगा अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर, यहाँ पे ना करके हम लोग का एक और दूसरा फ्लैश होगा और रिडायरेक्ट कर देगा होम पर। तो हम लोग इसी को कॉपी कर सकते हैं, कर दें यहाँ से हम लोग कंट्रोल प्लस सी यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे कर दें पेस्ट। यहाँ पे हम लोग का चेंज होगा कि अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर नहीं होगा, यू यहाँ पे मैसेज होना चाहिए जैसे You have been successfully logged in, इस तरह से मैसेज होगा और इस पर सक्सेस का कलर होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो रिटर्न करने वाले हैं हम लोग रेंडर डॉट रिटर्न टेम्पलेट, वो कहाँ पे जाएगा, लॉगिन पर, लॉगिन डॉट HTML पे यहाँ पे रिटर्न करेगा। इसका टाइटल नेम होना चाहिए यहाँ पर लॉगिन, और फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्म यहाँ पे सेम है, रिटर्न ये होम पे करने वाला है। लॉगिन अगर कर लेते हैं सक्सेसफुली तो यहाँ पे होम पे चला जाता है। हमने अभी तक डेटाबेस नहीं बनाया है, तो हम लोग यहाँ से यूज़र नेम को यहाँ से फेच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र नेम अभी कुछ यहाँ पे सेव होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, या तो आप ईमेल रख सकते हो, यहाँ पे जो ईमेल यूज किए हम लोग ईमेल का डेटा यहाँ पे फेच करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ यही चीज़ हम फ्लैश मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड इन। हम लोग चाहें तो ईमेल को भी यहाँ पे रख सकते थे, नहीं तो चाहें तो हम लोग यहाँ से सिर्फ यही चीज़ को हम लोग चाहें तो रख सकते हैं, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और ये सक्सेस का मैसेज आएगा। तो चलिए हम लोग इसे सेव करते हैं और हम लोग इसे रन करके देखते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने लोकल होस्ट पे, और लोकल होस्ट पे हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं लॉगिन पेज को, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग लॉगिन और लॉगिन को करेंगे इंटर। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज आ गया है, और हम लोग लॉगिन पेज पे यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सेस करवाना चाहें, तो जैसे हम लोग ईमेल आईडी डालते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ पासवर्ड रैंडम डाल देते हैं और रिमेम्बर मी पे भी क्लिक करें और लॉगिन करें, तो यहाँ पे हमारा मैसेज आता है यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और हमारा यहाँ पे पोस्ट अब दिखना शुरू हो गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो लॉगिन हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं अपने नेव बार में, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे एक्सेस करवा लें। तो एक्सेस करवाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमें करना है कि बस आना है अपने लेआउट डॉट एच टी एम एल पे, जहाँ पे हमने लॉगिन के लिए नेव बार बनाया था, लॉगिन
यहाँ पे हमने लॉगिन के लिए बनाया था, तो यहाँ पे जो एचआरएफ है इस पर चेंज कर देना है, और यहाँ पे एचआरएफ हमें कर देना है लॉगिन के लिए। यहाँ पे हमने कर दिया लॉगिन, और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा जो हमारा यहाँ पे पोस्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो पोस्ट नज़र आ रहा है ये थोड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ अच्छा सा पोस्ट नज़र आ रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं अपने पोस्ट में, और पोस्ट में कुछ स्टाइलिश पोस्ट हम लोग कर देते हैं इसे, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, जैसे हम लोग फेसबुक पर देखते हैं या फिर कहीं और भी देखते हैं। तो उसके लिए चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने होम डॉट टेस्टिंग पर, जहाँ पर हमने यहाँ पर डेटा एक्सेस किया है। तो चलिए हम लोग इसे H1 में ना लेकर हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि एक टेबल में ले लेते हैं इसे, हम लोग इसे एक टेबल में ले लेते हैं। तो टेबल में लेने के लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, एक बनाएंगे टेबल टैग, और टेबल टैग में हम लोग बॉर्डर आप चाहते तो ले भी सकते हो, तो बॉर्डर अगर लेना चाहते हो कुछ तो आप वैल्यू डालोगे पॉजिटिव, और नहीं लेना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे जीरो ले रहे हैं। और इसके बाद हम लोग का यहाँ पर टेबल बंद हो जाता है, यहाँ पे हमारा टेबल बंद हो गया। और जो हमारा पोस्ट का जो ऑथर होगा, हम लोग चाहते हैं कि ये प्रिंट हो, यहाँ पे ये प्रिंट हो, तो हम लोग यहाँ से कट करते हैं, और टेबल में जो सबसे पहला जो प्रिंट हो, जो हमारा टी आर पे जो प्रिंट हो, सबसे पहला जो टेबल रो में, पहले रो में जो पेस्ट हो, वो हमारा होना चाहिए ऑथर का नाम, और ऑथर के नाम के साथ साथ में हमें चाहिए कि वो किस दिन को प्रिंट हुआ था, किस दिन को पोस्ट हुआ था, वो दिखे। तो यहाँ पे हम लोग इसको चाहते हैं डेटा को, तो कंट्रोल प्लस एक्स यहाँ पे यही चाहते हैं, और इसी रो में हम लोग चाहते हैं कि ये पेस्ट हो, तो कंट्रोल प्लस भी यहाँ पे पोस्ट करते हैं, और इसका टेबल डेटा ले रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे टी डी को ऑन कर देंगे, और इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे टी डी को बंद कर देंगे। उसके बाद हम लोग चाहते हैं टेबल का टाइटल जो है वो टाइटल चलिए यहाँ पे दिखे, तो ये दिखे अलग टेबल रो में, तो इसके लिए हमें बना देना है अपना टेबल रो को बंद कर देना है, और फिर पोस्टेड ऑन ये तो हमें नहीं चाहिए, तो ये हम लोग हटा देते हैं, और इसके साथ में जो कंटेंट है ये भी हमें चाहिए, वो चाहिए टेबल रो में, तो टेबल रो में ये आ जाता है। और सब के लिए हम लोग को एक टीडी बनाना होगा, ताकि कुछ अच्छा सा स्टाइल यहाँ पे दिखे, तो टीडी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और इसमें भी हमारा वही सेम होगा, और यहाँ पर भी हमारा होगा टीडी। और इसके साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा डेट पोस्टेड हो उस पर फोकस हो, और जो हमारा ऑथर का नाम हो वो थोड़ा सा बोल्ड हो, तो हम लोग यहाँ पे बोल्ड के लिए टैग लगा लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बोल्ड, और बोल्ड ये दोनों रहेगा, तो हम लोग दोनों के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बोल्ड टैग को बंद कर देते हैं। और साथ ही साथ चाहते हैं कि ये जो डेट पोस्टेड का जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो हम लोग के लिए इसको फॉन्ट कलर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, तो फॉन्ट कलर इज इक्वल टू का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, ब्लू कलर में अधिकतर होता है हर पोस्ट, तो हम लोग फॉन्ट कलर यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कर देंगे फॉन्ट को बंद, तो कर देते हैं सेव, और चलते हैं हम लोग अपने फिर से यहाँ पे पोस्ट पे, और जस्ट हमें करना है यहाँ पे रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख लेंगे हमारा यहाँ पे कुछ गुड लुकिंग है, यहाँ पे हमारा जो पोस्ट कर रहा है उसका नाम होगा, और उसके बाद वो डेट होगा, और नीचे हमारा कंटेंट होगा, जो भी यहाँ नीचे कंटेंट होगा उसका फॉन्ट स्टाइल और चेंज कीजिए तो और अच्छा लगेगा, और ज़्यादा कंटेंट को बढ़ाइए तो और भी ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि लॉगिन पे भी अगर क्लिक करें तो हमारा लॉगिन पेज आ रहा है, और लॉगिन पेज पर हम लोग मान लीजिए कि अगर कोई यूज़र नेम या ईमेल आईडी गलत डालते हैं और लॉगिन करेंगे तो इस बार ये इनवैलिड एड्रेस भी बता रहा है, और हमारे पास अगर नॉट हैव एन अकाउंट है तो साइनअप पे अगर क्लिक करें तो ये रजिस्टर पेज पर भी ले जा रहा है। यहाँ पर हमारा सारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है लॉगिन पेज पर। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा बेस पर काम करने के लिए, जो भी हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो सारे रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डेटा होगा वो हमारे डेटाबेस में जाके सेव होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने सब कुछ अगर अच्छी तरह से समझा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।